अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से, मज़े में और हैप्पी चैप्पी होंगे। तो हम जा रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से शारजा से मुंबई। पूरा जो भी जर्नी है इसकी मैं आपको बताऊंगी और कैसा रहा हमारा सफ़र इस प्लेन में, इस फ्लाइट में। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते और स्टार्ट करते। तो जैसे ही हम हमारे सीट पे आके इत्मीनान से बैठ गए तो हमें सबसे पहले ये पानी दिया गया और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस बजट एयरलाइन है तो इसलिए आपको यहाँ पर टीवी वगैरह नहीं मिलेगा, और ये है फूड टेबल, इसमें आप अपना खाना वगैरह रख के खा सकते हो। और साथ में आपको ये सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो, किस तरह लोगों को बचा सकते हो। तो इसमें आपको ये ब्रीफिंग कार्ड में बताया जाता है। वैसे तो एयरस्टेन जो होती है वो फिज़िकली भी आपको करके बताती है, तो ये सारा आपको ये कार्ड देखने को मिलेगा। वैसे तो इनके मेन्यू भी रहते हैं, और अगर आप चाहे तो आप जब टिकट बुक करते हो तो तभी आप अपना खाना वहाँ पर बुक कर सकते हो, क्योंकि ये बजट एयरलाइन है तो इसीलिए यहाँ पर खाना आपको फ्री नहीं मिलेगा, इसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो इस प्लेन में आपको काफ़ी सारे खाने पीने की वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, और साथ साथ में आपको नॉन वेज और वेज दोनों किस्म के खाने आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें आपको नूडल्स वगैरह हो गया या चॉकलेट वगैरह हो गया, चिप्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, क्योंकि इस मेन्यू में काफ़ी सारी खाने पीने की वैरायटी दिख रही है और इतने महंगे भी नहीं है, सही है, बजट के हिसाब से आप ले सकते हो जो भी आपको खाना है। साथ साथ में आपको ये फैसिलिटीज़ भी दी जाती है कि अगर आप अपने उस सीट से खुश नहीं है और आप प्रीमियम सीट लेना चाहते हैं, आगे की सीट लेना चाहते हैं, या आप अपनी सीट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरा मेन्यू दिया गया है, पूरे इनका प्राइस भी बताया जा रहा है कि कौन सी सीट कितने में आएगी, तो ये भी आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो आप ये भी कर सकते हो। और कॉफ़ी वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको इसमें देखने को मिलेगी, कैपेचिनो, ब्लैक कॉफ़ी, नेस्कैफे, काफ़ी कॉफ़ियाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी इस मेन्यू में। और इसमें आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए ये भी फैसिलिटीज़ दी गई है, तो हर सीट में आपको ये दो दो चार्ज करने वाली ये चीज़ मिल जाएगी। दोनों किस्म के हैं, ये प्लग वाले भी है और यूएसबी वाला भी है, जो भी आप यूज़ करना चाहे वो कर सकते हो। और सीट की जगह भी अच्छी खासी है, आप आराम से इत्मीनान से बैठ सकते हैं। शारजा से बम्बई तो 2.5 घंटे का सफ़र होता है, किस तरीके से सफ़र गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। तो माशाल्लाह से हम अच्छे से बैठे हुए इत्मीनान से इंजॉय कर रहे हैं अपना सफ़र। और देखकर मैं हैरान रह गई, बाथरूम कॉफी टेबल कैसे दिखता है, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो, साथ में चाइनीज लैंग्वेज भी देखने को मिलेगी। तकरीबन मुंबई की तरफ पहुंच गए हैं और अभी कुछ ही वक्त में हमारा प्लेन लैंड करेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मुझे दो बातें काफ़ी पसंद आती है। सबसे पहली कि आपका ये बजट वाला एयरलाइन मिल जाता है, सबसे सस्ती टिकट आपको इसमें मिल जाती है, काफ़ी अच्छे खासे पैसे आपके बचत होते हैं। और दूसरी बात, आपको अच्छा खासा इसमें केजी भी मिल जाता है, 30 केजी लगेज मिल जाता है और 7 केजी आपका हाथ में होता है, तो काफ़ी सारा आपको केजी की इसमें बचत हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 पर आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है कि विमान से निकलने से पहले अपनी सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट की जाँच कर लें, ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट, पासपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में ना रह जाए। हमारे सभी अतिथियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पहले अपने सामान को दोबारा जांच लें, इससे सहयात्रियों के साथ बैग बदल जाने की संभावना नहीं रहेगी। जिन अतिथियों को व्हीलचेयर की आवश्यकता है उनसे निवेदन है कि वे बैठे रहें। सभी अतिथियों के विमान से उतर जाने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। आपके साथ यात्रा करके मन में किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। जय हिंद। तो हमारा जो सफ़र रहा बहुत ही अच्छे से गुजरा। एयर इंडिया एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा पुरसकून सफ़र था और हमें अच्छा खासा तजुर्बा भी इसमें मिला। अभी हम जा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट की तरफ। तो ये है मुंबई एयरपोर्ट। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया है। काफ़ी कल्चर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको अनोखी अनोखी मुंबई एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं हमारा लगेज की तरफ ताकि हम हमारा लगेज उठाएं। तो प्लेन में ही बता देते हैं कि कौन सा काउंटर नंबर है और कौन से काउंटर नंबर पे आपको जाना है, तो वो आपको प्लेन में ही बता देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी टैक्सी बुक करने के लिए। तो काफ़ी सारी यहाँ पर टैक्सियाँ अलग अलग कंपनियों की मिलेगी, तो जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल इसके सामने ही आपको ये टैक्सी का पूरा इतना बड़ा काउंटर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो तो काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि उबर हो गया या फिर ओला हो गया। तो काफ़ी सारी यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई है टैक्सी वगैरह बुक करने के लिए। तो जो भी आप टैक्सी बुक करोगे तो वहाँ पर आप पेमेंट कर दो, उसके बाद में आपको ये पर्ची देंगे और पर्ची में ही टैक्सी नंबर सब लिखा हुआ होता है। तो बस आप बाहर जाएं और ये पर्ची दिखाएं तो आपको जो भी आप टैक्सी बुक किए हैं वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और ये वाला व्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी इंजॉय किए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, मा सलामा इला लिका।